अक्सर हरियाणा की हॉट सीट में आती है जगाधरी। यहाँ से जो जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उनके पिछले 10 सालों से विधायक रहे हैं, जो खट्टर और नायब सैनी दोनों सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, कड़ा मुकाबला माना जा रहा है यहाँ से। आपके कितना कितना आत्मविश्वास है और किस तरीके की रणनीति रहेगी? नहीं, मुकाबला कड़ा नहीं कह सकते इसको आप, मुकाबला तो एक तरफा है। पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा था, बीएसपी के टिकट पे मैंने 48,000 मत प्राप्त किए थे, वो बात अलग है, चलो मैं हार गया, लेकिन उस हार के अंदर भी मेरी एक जीत कहता हूँ मैं। और लगातार 5 साल से मैं लोगों के बीच में हूँ, मैं एक दिन भी कोरोना के काल में भी मैं लोगों के बीच से नहीं हटा हूँ। उसी का कारण है आज जनता आज मुझे स्नेह दे रही है। आपने मेरा नॉमिनेशन देखा होगा, ये नॉमिनेशन को एक नॉर्मल नॉमिनेशन नहीं कहा जा सकता। एक इतना बड़ा हुजूम, रात को 12 बजे टिकट कटा और सुबह 9 बजे किस तरीके से ख़राब मौसम में भी लोग बारिश में भीगते हुए आए और मेरा नॉमिनेशन कराया। लगभग 5,000 की भीड़ ने नॉमिनेशन कराया। ये कोई एक आसान टास्क नहीं है, ये एक आसान बात नहीं है। एक आदमी को जिस तरीके से लज्जित किया गया, एक कमिटमेंट के थ्रू, मैं पहले भी अपनी आम आदमी पार्टी में प्रदेश का संगठन मंत्री था, मेरी भारी घर भरकम मेरे से गलती हुई, मैं लोगों के दबाव में आ गया, अपने लोगों के, और मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने एक कमिटमेंट के तहत मुझे ज्वाइन करवाया कि आपको जगाधरी से कांग्रेस के टिकट पर हम चुनाव लड़ाएंगे। वो कमिटमेंट उन लोगों ने तोड़ा और उसी के देखते हुए मैंने फिर ये फैसला लिया। मैंने अपने लोग बुलाए और सभी ने एक मत से एक ही बात कहा कि हमारी जो पुरानी पार्टी है हम उसमें जाएं और उसी से हम टिकट लें। और पार्टी ने भी मेरे लिए ये टिकट होल्ड करके रखा था, पार्टी ने भी 10 मिनट में मेरा टिकट यहाँ भेज दिया। मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं, जनता को किस तरीके से? स्थानीय मुद्दे, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार का है। यहाँ की इंडस्ट्री आज मृत हो चुकी, बीमारू इंडस्ट्री है, मेटल, इसको पीतल नगरी बोला जाता है जगाधरी को, जो आज ख़त्म हो चुकी है। सबसे पहले मैं सरकार में शामिल होऊंगा, जिस दिन भी सरकार में शामिल होऊंगा मेरा एक ही कार्य होगा कि इस पीतल नगरी को दोबारा से, मैं तो कहूँगा सोने की नगरी बनाएंगे, पीतल नगरी जो भी इसका एक नाम था वो दोबारा से इसको पुनरुद्धार कराएंगे, इसका जीर्णोद्धार कराएंगे। दूसरा, प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री हमारी बहुत बुरे पोजीशन में चल रही है, उसके लिए भी एक विशेष पैकेज की मांग करेंगे, जो भी व्यापारियों की समस्याएं हैं उसको रखा जाएगा। और रोज़गार एक समस्या है ही, जब इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार अपने आप पैदा होगा। तो दूसरा, केजरीवाल साहब की जो नीति है हमारी, चाहे स्वास्थ्य की नीति है, शिक्षा की नीति है, रोज़गार की नीति है, उस नीति के ऊपर हम काम करेंगे और जनता की सेवा के लिए बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। सर, जो मौजूदा विधायक रहे हैं यहाँ से, उनका दावा है कि जितना विकास कार्यों में धनराशि खर्च की गई है, इतिहास में कभी इतनी नहीं खर्च हुई, और माइनिंग का जो काम उन्होंने शुरू करवाया है वो कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार भी दे रहा है। विकास में नहीं हुई वो राशि यूज, वो राशि कहाँ यूज हुई वो तो वही इंक्वायरी का प्रश्न है, वो बताएंगे। यहाँ तो जगाधरी का विनाश हुआ। जिस आप माइनिंग की बात करते हैं, इस अवैध माइनिंग इस दौर में है कि मंत्री और उनके रिश्तेदारों के 10 स्टोन क्रेशर ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं। एनजीटी ने 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, उसमें मंत्री जी का क्रेशर भी है, शिवालिक स्टोन क्रेशर के नाम से, उसमें आप पढ़ लीजिए। उनके ऊपर भी एक भारी भरकम जुर्माना लगाया गया और उनके रिश्तेदारों के, उनके प्यारों के, दोस्तों के। ये अवैध माइनिंग हुई, इन लोगों ने एक पैरेलल यमुना तैयार कर दी और इतना बड़ा विनाश हुआ। इस बार इंद्र देवता प्रसन्न नहीं हुए, अगर कहीं इंद्र देवता प्रसन्न हुए होते तो हमारे 20 गांव बहुत बड़े खतरे के ऊपर बैठे हैं। वो ऐसे एक दौर के ऊपर बैठे हैं कि अगर यमुना माई ने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया तो वो गांव हमारे निश्चित रूप से ख़त्म होंगे। बिल्कुल, यमुना का रुख बदल दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विनाश किया इन लोगों ने, अवैध वन की कटाई की। खैर का संरक्षित जंगल है, एक उसमें से एक टहनी भी हम नहीं काट सकते, इन लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया। आज उसके अंदर आप कोई भी फसल पैदा कर सकते हैं, जंगल का जंगल साफ कर दिया इन लोगों ने। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, 10 साल में आप विनाश, विकास की बात करते हो, टोटल विनाश हुआ है यहाँ पर। उससे पहला टाइम जो यहाँ आज कांग्रेस की टिकट पर आए चौधरी अकरम खान, उनका टाइम भी लोगों ने देखा हुआ है। जनता इतनी त्रस्त थी कि इनको यहाँ पर MLA बनाया था उन लोगों ने। 12 बजे उनका उठने का टाइम होता है,
उनकी नवाबियत की ज़िंदगी है, किसी का फ़ोन उठाना तो बहुत दूर की बात है, उनके फ़ोन बंद ही रहते हैं हमेशा। ऐसो परस्ती में जीने वाले लोग हैं, जनता की सेवा के लिए नहीं बने। और जिस पैसे को हम आए हैं, राजनीति है, अगर हम राजनीति में आए तो हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं, सेवा करनी चाहिए। और उसी का फल होगा कि आप 8 तारीख को जब रिजल्ट देखेंगे तो जगाधरी आम आदमी पार्टी की झोली में सुबह 10 बजे आ जाएगी। तो कितना आपको लगता है जीत का दावा कर रहे हैं, मार्जिन कितना होगा जीत का? बहुत बड़ा मार्जिन होगा, मैं तो ये कहूँगा कि 50,000 से ऊपर का भी मार्जिन हो सकता है। हम 1,00,000 से ऊपर मत प्राप्त करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। चौधरी आदर्श पाल गुर्जर, जिन्होंने दावा किया कि चुनावी नतीजे जो हैं उनको देखकर हर कोई चौंकेगा, क्योंकि इस बार जगाधरी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी का विधायक बनने जा रहा है और जनता ने यह फैसला कर लिया है। आशीष शर्मा, यमुनानगर, हरियाणा तक।